दादा तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द ट्रेंड्स एंड काउंटर ट्रेंड्स। ट्रेंड्स, प्राइस कैन नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन अप और स्ट्रेट लाइन डाउन। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस सम स्ट्रॉन्ग न्यूज इज देयर। इन सच ए केस देयर मे बी अ शार्प स्ट्रेट लाइन अप ट्रेंड और शार्प स्ट्रेट लाइन डाउन ट्रेंड, बट दोज आर द एक्सेप्शंस। बट जनरली मार्केट इफ इट इज मूविंग फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम अपवर्ड जर्नी, इन सच ए केस अप ट्रेंडे जाबे, इट कैनॉट मीन्स इट कैनॉट गो इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर दैट इट हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स। While discussing the trends and counter trends, we will be getting three different varieties. First is the uptrend, second one is the downtrend, and third one is the sideways. When market is in uptrend, and if we are selling that instrument, then we have to burn our fingers. If the script, that means the price of a share, is in downtrend and we buy in between, then we will be forced to burn our fingers by incurring losses. And sideways means if we buy or sell, it is in one day it is moving higher, in the another day it is moving down, again up, again down, neither it is giving a good profit nor a loss. That being the case, how to define an uptrend or a downtrend or a sideways trend? Means कैसे ट्रेंड को डिफाइन किया जाएगा? That there comes the role of Dow theory. Stock market का जितना भी एनालिसिस है, the basic foundation lies in Dow theory. Means you can say everything, whatever the technical analysis is there, ultimately boils down to Dow theory. So you can say the grandfather of everything. जहां पे ये Dow theory बोलता है कि price will be either in a trend or in a counter trend. While it is in uptrend, it will be moving like this. That means from point A, the price has started its journey and moving to point B. From point A to point B, it is not moving in a straight line. It is rather moving high, little retrace, again moving high. Second high is higher than the previous high. Then again some retracement, thereby making a fresh low. Ye jo fresh low hoga, it is higher than the previous one. Again, thereafter it will move higher. Phir dobara ye high ke taraf jayega, breaking the swing high. Swing high means the latest recent high. उसको तोड़ के ऊपर जाएगा, देयर बाय मेकिंग ए फ्रेश। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा सा फिर स्विंग मींस एक लो बनाएगा। द न्यू लो इज हायर देन द प्रीवियस वन। इन दिस फैशन इट विल बी मेकिंग हायर हाई हायर लो। हियर इट इज हाई, यहाँ पे एक हाई है, यहां पे एक हाई है, एंड यहां पे एक हाई, यहां पे एक लो है, यहां पे एक लो है, एंड यहां पे एक लो है। अब देखोगे सेकेंड हाई इज हायर देन द फर्स्ट हाई, थर्ड हाई इज हायर देन द सेकेंड हाई, एंड द फोर्थ हाई इज हायर देन द थर्ड हाई, एंड सो ऑन। इसको कहते हैं हायर हाई।
इसको कहते हैं हायर हाई। देन इन द प्रोसेस आप देखोगे लोज आर मीट, बट सेकेंड लो इज हायर देन फर्स्ट लो, थर्ड लो इज हायर देन सेकेंड लो एंड सो ऑन, देयर बाई इट इज कॉलिंग हायर लो। सो व्हेन द प्राइस इज इन अप ट्रेंड इन द प्रोसेस हमें जो मिलेगा हायर हाई मिलेगा एंड हायर लो मिलेगा। क्यों? आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्राइस को ऊपर जाना है तो फिर बीच बीच में मीन्स करेक्शन क्यों आना है, बीच बीच में लोस क्यों बनाना है? दैट मे बी ए क्वेश्चन टू यू, एम आई करेक्ट? यस सर, करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन, सो दिस इज अ डाउटफुल थिंग। राइट, नाउ सपोज से आई एम टेकिंग रिलायंस। करेंटली रिलायंस प्राइस इज 2500, 2514। इस लेवल पे हमें पता नहीं आने वाले दिनों में ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा बाय सीइंग द प्राइस, करेक्ट? हमें कुछ पता नहीं है। सिमिलरली जब ये प्राइस एक जर्नी चालू करेगा फ्रॉम ए टू बी, कोई कहीं पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि प्राइस जो मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी में ही जाके रुके। किसी ने ए पॉइंट में बाई किया, जैसे ही ए फर्स्ट हाई पे आया है दे विल बी हैप्पी, वो लोग हैप्पी होंगे कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिल गया, अभी मैं बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट, इधर पूरा बुक करता हूं या पार्शियल बुक। तो यहाँ पे इस लेवल पे जो बाई करेंगे वहां पर भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर्स होंगे, कोई आपका शॉर्ट टर्म बायर होंगे, कोई मीडियम टर्म बायर होंगे, कोई लॉन्ग टर्म बायर होंगे। लॉन्ग टर्म बायर क्या करेंगे, बड़ा खाने का कोशिश करेंगे। मीडियम टर्म बायर क्या करेंगे, मॉडरेट खाने का कोशिश करेंगे प्रॉफिट बुक करने का, एंड शॉर्ट टर्म छोटा छोटा प्रॉफिट लेके खुश रहेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मार्केट प्लेयर्स आर देयर। जैसे ही पॉइंट ए से पहला हाई पे आएगा जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है वो लोग बोलेंगे अरे इतना सारा मेरे को प्रॉफिट मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी, लेट मी बुक द प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा एक डिप आएगा, दे आर बाई मेकिंग ए लो। इस लेवल पे आने के बाद, फर्स्ट लो पे आने के बाद, फिर फ्रेश बायर्स बोले थे जो पॉइंट ए पे बाई करना मिस किया था, मिस कर गया एंड ऑलरेडी यहां से यहां तक आ गया, तो यहाँ पे कोई सर्टेन बायर्स बाई करेंगे जिसको बोलेंगे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मिस ना हो जाए। सर्टेन प्लेयर्स क्या करेंगे, इंतजार करेंगे थोड़ा सा करेक्शन के, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग डीप प्रॉफिट बुकिंग होगा या माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग होगा किसी को पता नहीं। जैसे ही शॉर्ट टर्म प्लेयर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एज तो ये लो पे आएगा, जैसे ये लो पे आएगा जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया बाई करने के लिए दे विल एंड, एंड ऑल्सो सर्टेन प्लेयर्स विल ट्राई टू मेक एडिशनल बाई, तो फिर वो बाइंग करके ऊपर लेके जाएंगे, दे आर बाई मेकिंग ए लो। अभी बाई करते 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 ये पॉइंट में आएगा जब यहाँ पे टू टाइप का बायर्स ऑलरेडी मार्केट में होंगे, जो पॉइंट ए से एच तक, ये सेकेंड एच तक पकड़ के रखा है, सेकेंड एच तक,
और यहां पर भी कोई फ्रेश बायर्स थे जो यहाँ पे बाई करने के बाद यहाँ पे आए। सो टू टाइप्स ऑफ बायर्स, वन जो एल वन पे बाई किया था वो लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मीन्स प्लेयर्स होंगे जो बोलेंगे अरे यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेट मी बुक ए प्रॉफिट। यहाँ पे ऐसे कुछ सर्टेन बायर्स रहेंगे जो लोग बोलेंगे कि मीडियम टर्म वाले बायर्स होंगे जो बोलेंगे अरे ऐसे इतना तक आ गया, लेट मी बुक द प्रॉफिट। तो बिकॉज ऑफ व्हिच यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, दे आर बाय मेकिंग एल टू। एल टू आने के बाद फिर जब यहाँ पे सेलिंग इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फ्रेश बायर्स विल कम। यहाँ पे इस लेवल पे जिन्होंने मिस किया बाई करने के लिए, एल वन पे जिन्होंने मिस किया बाई करने के लिए, दे विल कम एंड बाई एट एल टू। प्लस एल वन में जो लोगों ने बाई किया लेकिन अपना क्वांटिटी बाई नहीं कर पाया, बाकी क्वांटिटी यहाँ पे बाई करने का कोशिश करेंगे एल टू में आके। ऑल्सो सर्टेन लॉन्ग टर्म बायर्स आर देयर जो ए लेवल पे भी बाई किया, एल वन पे भी बाई किया, फिर वो लोग एल टू में आके बाई करेंगे। जैसे बाई करेंगे ये एच थ्री तक गया। एच थ्री का लोकेशन क्या है? ब्रेकिंग द हाई ऑफ एच टू एंड सो ऑन। जब यहाँ पे आएगा एच थ्री पे तो यहाँ पे सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग होगा, देयर बाय इट विल कम डाउन टू एल थ्री। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सर्टेन सेलर्स आर सेलिंग एट एच वन, सर्टेन सेलर्स आर सेलिंग एट एच टू एंड सर्टेन सेलर्स आर सेलिंग एट एच थ्री। क्योंकि प्राइस जब ऐसे बी तक मूव किया, किसी ने बोला नहीं है कि प्राइस अभी यहां से फ्रॉम ए टू बी जाए। अगर किसी ने वर्डिक दे देता है, सपोज कोई से ऑथोरिटेटिव गाय से हिटलर ने बोल दिया हम यहां से वहां तक लेके जाएंगे प्राइस, देन इन सच ए केस नो वन इज गोइंग टू सेल एट एच वन एच टू एंड एच थ्री। एवरीबडी विल होल्ड देयर पोजीशंस, लेकिन मार्केट में कोई भरोसा नहीं है कि ऐसे बी तक जाएगा। पहला क्वेश्चन आंसर। सेकंड आंसर, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, मीडियम टर्म प्लेयर्स एंड लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स उनका जो अपना प्रॉफिट एपेटाइट है उसके हिसाब से दे विल कीप ऑन बुकिंग द प्रॉफिट, देयर बाय एवरी लेवल पे एवरी ऑप्टिक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। सिमिलरली मीडियम टर्म प्रॉफिट बुकिंग हो, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो बने। दिस इज द केस ऑफ अप ट्रेंड। नाउ कम्स द केस ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मान लो फ्रॉम बी अगेन द प्राइस हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन टू पॉइंट सी। अभी फ्रॉम बी टू सी कोई गारंटी नहीं है कि बी के आने के बाद सी में आएगा। इवन अगर सेलिंग चालू हुआ है कोई गारंटी नहीं है कि बी से सी में आके ही रुकेगा। अगर किसी ने बोल दिया है कि बी में बेचो सी में खरीदो, देन इन बिटवीन कोई बायर रहेंगे नहीं, बिकॉज सबको पता है बी लेवल में बेच के बैठता हूँ मैं सी में आके बाई करूंगा। बट मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन। सो क्या होगा आपका यहाँ पे? हाई मारेगा, एक लो मारेगा, फिर एक हाई मारेगा, एक लो मारेगा, फिर एक हाई मारेगा एंड फिर एक लो मारेगा, फिर एक हाई मारेगा, फिर एक लो मारेगा एंड सो ऑन। दिस इज हाई वन लो वन, हाई टू लो टू, हाई थ्री लो थ्री, हाई फोर एंड लो फोर। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आप देखोगे, एच टू इज लोअर देन एच वन, एच थ्री इज लोअर देन एच टू, एच फोर इज लोअर देन एच थ्री, यानी दे आर बाई इट इज मेकिंग लोअर हाई। सिमिलरली जो एल वन होंगे वहां पर भी
L2 is lower than L1, L3 is lower than L2, L4 is lower than L3, thereby making lowered load. So, in case of downtrend, there will be lower high, lower. In case of uptrend, it will be higher high, higher low. Up to this is clear? Clear. Okay. Now comes the question of sideways. Sideways kab honge? Kab ek price ka sideways movement hoga? Jab price ek point se chalu karega, high banayega, ek low banayega, fir high banayega, fir low banayega, fir high banayega, fir low banayega, fir high, fir low. Yahan pe dekhne ka baat kya hai? Yahan pe H1, yahan pe H2, yahan pe H3, yahan pe H4. Here it is L1, L2, L3 and L4. क्या यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख रहा है पहले जैसा, लाइक दिस, जहां पे आपका एक ट्रेंड था, हाईज रेगुलर हायर हाई बना रहे थे? जैसे हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं, जब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, इट इज लाइक दिस H1, देन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाते हैं, देन सेकंड टू थर्ड फ्लोर में जाते हैं, थर्ड टू फोर्थ एंड सो ऑन, कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो बना रहे हैं. सिमिलरली जब हम मान लो फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाएंगे, नीचे 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 करके आता रहेगा, दे आर बाई मेकिंग लोअर हाई लोअर लो व्हेन वी आर कमिंग डाउन फ्रॉम फोर्थ फ्लोर टू ग्राउंड. जब हम ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, दे आर बाई मेकिंग हायर हाई हायर. बट इन केस ऑफ साइडवेज, यहाँ पे क्या वैसा कुछ ट्रेंड दिख रहा है आपको? नहीं. ये H1, H2 इज हायर देन H1, बट H3 इज लोअर देन H2. L2 इज लोअर देन L1 एंड L3 इज लोअर देन L2. ये जो कॉम्बिनेशन, किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट एक रेगुलर फैशन नहीं होगा कि नॉनस्टॉप आपका इस टाइप का ऑर्डरली मूवमेंट नहीं होगा, या इस टाइप का ऑर्डरली मूवमेंट नहीं होगा इन केस ऑफ साइडवेज मूवमेंट. इन साइडवेज मूवमेंट ये जो देयर विल नॉट बी हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो. कभी हाई को तोड़ेगा, कभी लो को तोड़ेगा, कभी हाई को तोड़ेगा, कभी लो को तोड़ेगा. So up to this, is it clear what is meant by trend? Hello. Hey, Radha, bolo. Shunji. Up to this is clear. Trend. Hey, Radha. It is clear. How to define an uptrend? হ্যাঁ, এটা তো বুঝলাম, কিন্তু দাদা এসে ওই ওদিনকে যেটা তুমি ওই ক্যান্ডেল চার্ট দিয়ে দেখাচ্ছিলে, এটার সাথে কি ক্যান্ডেল চার্টের কোনো রিলেশন নেই নাকি? না মানে আছে তো ক্যান্ডেল চার্টের তো চার্ট আছে, আমি তো নেক্সট ক্যান্ডেলে গিয়ে তোমাকে দেখাবো, ক্যান্ডেল চার্টে গিয়ে তোমাকে দেখাবো. প্রথমে জানতে হবে তোমাকে হোয়াট ইজ আপট্রেন্ড, হোয়াট ইজ ডাউনট্রেন্ড, হোয়াট ইজ সাইডওয়েজ. আপট্রেন্ড এর ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে? একটা লো আর একটা লোর সাথে ইন্টারমিঙ্গেল করবে না, একটা হাই অন্য হাইয়ের সাথে ইন্টারমিঙ্গেল করবে. হ্যালো দাদা, শুনতে পাচ্ছো? ইয়েস ইয়েস, এম আই অডিবল নাও? হ্যাঁ 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 দাদা বলো. তো আপট্রেন্ড মে কিয়া হোগা, আপকা L2 L1 কে সাথ মিক্স নেহি হোগা, L3 L2 কে সাথ মিক্স নেহি হোগা. সিমিলারলি H2 H1 কে সাথ, H3 H2 কে সাথ ইন্টারমিঙ্গেল নেহি হো, এক দূসরে কে সাথ মিক্স নেহি হোগা. বাট ইন সাইডওয়েজ মে কভি হ্যাঁ কভি না,
यानी कभी हाई हाई को तोड़ेगा, कभी लो लो को तोड़ेगा इन दिस वे. दिस इज अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रेंड, वेदर समथिंग इज एन अप ट्रेंड और समथिंग इज इन डाउन ट्रेंड. नाउ वी विल कम टू चार्ट. ये जो है इसको देखने के लिए आपको पहले हम लाइन चार्ट में जाएं. कोई भी टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं, एनी टाइम फ्रेम, यहां पे जाएंगे का लाइन चार्ट डालेंगे. अभी देखो सेम थिंग दैट हम लोगों ने ड्रॉ किया था. अभी देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हाई 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 एंड सो ऑन, लो 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 तरफ. लो 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 व्हाट इट इज मेकिंग कॉन्टिन्यूसली हायर हाई हायर लो. इज इट विजिबल? हेलो 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 सर, है दादा इज इट स्क्रीन विजिबल, कैन यू सी फ्रॉम द चार्ट? कि बोल छो ये चार्ट में आपको विजिबल आ रहा है कैसे हायर हाई हायर लो बना रहा है अप ट्रेंड में? हाँ वो हाई लो आ रहे हैं. हाँ अभी आते हैं zigzag kind of. राइट, अभी आते हैं एक डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर भी देखो एक ट्रेंड है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. आप देखोगे यस एक एक हाई देन हाई then high, then high, and so on. Similarly lows. So it is the characteristic of a uptrend. Similarly, अगर हम एक डाउन ट्रेंड देखेंगे, सपोज यहाँ पे से यहाँ तक एक लेते हैं, from this point to this point. Similarly देखो lower high, lower low बना रहा. Clear? Yes sir. Right. Yes. नाउ साइडवाइज, अभी टाइम फ्रेम में एक बड़ा जो अप ट्रेंड होगा या एक बड़ा डाउन ट्रेंड होगा. सपोज यहाँ पे हमने देखा था एक अप ट्रेंड, कौन सा, इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला. ये जो एक बड़ा एक अप ट्रेंड है उसके बीच में आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा इन बिटवीन शॉर्ट छोटा टाइम फ्रेम में आपको एक साइडवाइज भी मिल सकता है. यानी व्हाट आई वांट टू मीन, ये जो ट्रेंड होता है एक एक टाइम स्पेसिफिक होगा. ये आवरली में आपका एक अप ट्रेंड है, लेकिन इसी को अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे, ये वाला राउंड में इसका डेट है 10 अक्टूबर से 5-15 मिनट में जाते हैं 10 अक्टूबर वाला. ओके अंडरस्टूड. तो ये बड़ा ट्रेंड के अंदर में छोटा ट्रेंड जो है यहाँ पे देखो हाई बनाया लो बनाया, फिर हाई जो है प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया, फिर लो जो है ये वाला लो जो है दिस लो, इस लो को तोड़ दिया, फिर ये वाला हाई प्रीवियस हाई को तोड़ दिया. जिगजैग मींस कोई ऑर्डरली फैशन नहीं है. कहने का मतलब एक अप ट्रेंड के अंदर में छोटा छोटा साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है. सो ऑल डिपेंड्स ऑन आप कौन सा टाइम फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं. अभी देखो यहां पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक अप ट्रेंड है, बीच बीच में कुछ साइडवेज एक्शंस भी है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट
এক ডাউন ট্রেন্ড, ছোট ডাউন ট্রেন্ড। ওকে ফির দিস পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট এক ডাউন ট্রেন্ড হে, দিস পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট এক আপ ট্রেন্ড হে। সো মার্কেট মুভস ইন ফেজেস, ইয়ানি ফেজ কা মতলব আইদার ইট উইল বি ইন আপ ট্রেন্ড অর ডাউন ট্রেন্ড অর সাইডওয়েজ, ইয়ানি নো ট্রেন্ড। ইয়ে অভি আপ দেখোগে ইস জগহ পে হোয়াট সর্ট অফ ট্রেন্ড ইজ দেয়ার, কিস টাইপ কা ট্রেন্ড হে ইয়াহাঁ পে, ইয়ে জো বক্স। আপ ট্রেন্ড হে, ডাউন ট্রেন্ড হে, ইয়া সাইডওয়েজ হে। हाँ बोलो क्या ट्रेंड है यहाँ पे। ये आपका ये डाउन साइड है। देखो डाउन साइड होगा तो नॉनस्टॉप लोअर हाई लोअर लो बना रहा है क्या इस टाइप का नहीं 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 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एज। ये डाउन आया था लेकिन डाउन आके फिर से ये अप चला गया। कहने का मतलब एज टू शुड नॉट इंटरमिंगल विथ एज वन और एज थ्री शुड नॉट मिंगल विथ एज टू एंड सो ऑन, L2 should not mix with L1, कभी हाँ कभी ना नहीं हो सकता, that is what I want to be, ठीक है ना। So इससे sideways, अभी इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखो इस जगह पे आके फिर एक sideways गया है, फिर यहाँ पे एक uptrend आया है, clear। हाँ तो अभी इसी लाइन चार्ट को हम कैंडल चार्ट में देखने का प्रयास करें, वही चीज जो कैंडल में। आपको अगर इस एरिया पे देखना है क्या देख रहे हो, हायर हाई हायर लो देख रहे हो, लोअर हाई लोअर लो देख रहे हो, या कभी हाँ कभी ना मीन्स साइडवाइज देख रहे हो। दादा ये कभी हाँ कभी ना ही तो लग रहा है मुझे। साइडवाइज साइडवाइज करेक्ट। अभी हम आते हैं करेक्ट बोल रहा हूँ ना दादा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहां पे देखो, क्लियर कट हाईज 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 लोज 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 लोज, बराबर। यस बराबर। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे जस्ट आपके आंखों को फिक्स करने के लिए, हाई 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 लो 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 यहाँ पे आके मिक्स हो गया, यानी इस पॉइंट के हाँ बाद थोड़ा सा डाउटफुल है कि अभी साइडवेज है या नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ट्रेंड चेंज कैसे होता है। आज तो हमने ट्रेंड देखा है, व्हाट इज अप ट्रेंड एंड व्हाट इज डाउन ट्रेंड। सो एक क्विक रिकैप, ठीक है दादा। दादा ये क्या लिखा है तो एकदम ही हाँ ब्लर ब्लर आ रहा है, समझ नहीं आ वही रहा। वही नहीं इसको वो कर रहा हूँ, वही जो हमने डिस्कस किया था अच्छा, हाँ हाँ हाय। ट्रेंड।